Hey guys, good morning. So guys, अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मौसम आप देख सकते हैं, वैसे भी रात में बादल ही बने रहे हैं और अभी भी बादल ही हैं पूरे आसमान पर छाए हुए, और बारिश भी हुई है, बहुत ही हल्की हल्की बारिश हुई है, आप देख सकते हो, देखो चीटी भी है। तो अभी सुबह हो चुकी है गाइस, तो अभी जा रही हूँ मैं चाय बनाने के लिए। मैं सोच रही हूँ जल्दी से चाय बना लूँ, चाय पी लेते हैं, फिर बाकी का काम मैं स्टार्ट करती हूँ मैं, और एडिटिंग भी करनी है और वीडियो पोस्ट भी करना है मुझे। तो गाइस चलते हैं। वाओ, हवा तो नहीं चल रही बट ठंडक काफ़ी हद तक है, यू नो। तो गाइस यहाँ पर पापा अखबार पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो। तो गाइस अभी पापा की चाय बन रही है, मैंने अपनी चाय निकाल ली है और इसमें अभी डाली है, ये आप देख सकते हो, अर्जुन की छाल। तो ये थोड़ी देर में पकेगी, उसके बाद पापा को चाय दूंगी जाके मैं। तो अभी गाइस मैंने पापा के लिए ये ओट्स बनाया है ब्रेकफास्ट में, तो अभी जा रही हूँ मैं उन्हें देने के लिए, तो फिर चलो। एंड गाइस सेम बर्तन में मैं मैगी और ओट्स बना रही हूँ एक साथ, ये भी काफ़ी टेस्टी लगता है और थोड़ा सा पेट भी भर जाएगा। तो मैं अपने और भाई के लिए बना रही हूँ मैगी ओट्स ब्रेकफास्ट में, तो थोड़ा सा हो जाएगा, फिर मैं ना वीडियो एडिट भी कर लूँगी आराम से, फिर लंच तक मतलब ज़्यादा आई थिंक इन लोगों को भूख नहीं लगेगी, तो फिर चलो मैं बना लेती हूँ। तो गाइस मैगी ओट्स में मैंने मैगी मसाला भी ऐड कर दिया है जो मतलब मैगी के साथ आया हुआ था। तो गाइस अभी मैगी ओट्स बनकर रेडी हो चुका है, तो अभी जल्दी से हम लोग ना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा भूख लगाई अब तो। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, तो मैं अभी कह पाई हूँ आपसे, व्लॉग तो मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था क्योंकि गाइस आज सुबह से तबीयत मेरी थोड़ी सी सही नहीं है, मतलब गला बैठ गया है, हल्का सा जुकाम हो रखा है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से मैं डायरेक्ट मतलब काम वाम करने लगी थी। तो अभी गाइस मैंने स्नान भी कर लिया है और पूजा भी अपनी फिनिश कर ली है, तो अभी जा रही हूँ। अभी टाइम हुआ है 11:30। तो गाइस आपको पता है नवरात्रि चल रही है, तो पूजा तो करनी बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है, तो पूजा तो कर लिया मैंने और अभी टाइम 11:30 मैंने बता दिया है। तो अभी जा रही हूँ गाइस मैं एडिटिंग करने के लिए, तो मैं फिर लंच बनाऊँगी समथिंग 2:30 बजे, क्योंकि उससे पहले मुझे वीडियो पब्लिश करने का भी थोड़ा विचार करना है और थोड़ा सा मैं एडिट भी करना चाह रही हूँ, तो अभी करने जा रही हूँ मैं एडिटिंग। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे जब मैं लंच बनाऊँगी। एंड हाँ गाइस, शाम को जाना है मुझे मंदिर पीछे, जो हमारे घर के पीछे मंदिर है, क्योंकि भाभी ने कुछ कपड़े बनवाए हैं भगवान जी के लिए, जो हमारी पड़ोस वाली भाभी है उन्होंने, तो वो उनको पहनाएंगी, तो फिर चलेंगे हम मंदिर और मैं दर्शन भी कर लूँगी। वैसे तो मुझे आजकल टाइम मिल नहीं रहा है, मैं कभी लंच बना रही हूँ, कभी डिनर बना रही हूँ, मतलब यही सब कर रही हूँ, तो फिर टाइम नहीं मिल रहा है मंदिर जाने का, तो फिर भी बीच में थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं चली जा रही हूँ। तो चलो शाम को मिलती हूँ फिर मैं, नहीं मतलब लंच बनाने में भी मिलूँगी, फिर उसके बाद शाम को मिलूँगी। ओके गाइस, तो चलो अभी चलते हैं। तो गाइस अभी लंच में मैं बनाने जा रही हूँ ये लौकी, तो फिर बना लेती हूँ यार, फिर मिलती हूँ, थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा सच में। तो गाइस मैंने लौकी कट कर ली थी, तो अभी मैं ना बना लेती हूँ, क्योंकि लौकी बनाना तो आई थिंक आप सबको आता ही होगा, उसमें रेसिपी क्या दिखाऊँ मैं आपको। तो गाइस हमारी लौकी की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है, जिसे आप कैसे लिए, मैंने सारी रोटियां सेक ली हैं और थोड़ा सा ना स्पीड में सेकी हैं, तो थोड़ा बहुत यू नो दिख रही होंगी, बट काफ़ी अच्छी सेकी हैं। तो गाइस अभी जा रही हूँ मैं मंदिर और अभी टाइम हुआ है 4:00 इन द इवनिंग, मतलब शाम के बज रहे हैं 4:15 हो चुका है एक्चुअली टाइम, तो पहले जाएंगे भाभी को लेंगे फिर उसके बाद। शोना, बुआ को देखी ना कुची। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं, भाभी को भी ले लिया है, तो अभी जा रही हैं भाभी भगवान जी को कपड़े पहनाने के लिए, उन्होंने कुछ कपड़े बनवाए थे, और आगे हैं राहुल भैया और शोना है। ए शोना देख लो कहाँ जा रहे हो, गुम्मी करने? नहीं बात नहीं करेगा भाई, वो देखने में बिजी है, इल्लू भाभी को पीछे छोड़ दिया कोई बात नहीं, पता है हम लोग तो स्पीड में चलते हैं, भाभी तो धीमे धीमे चलती हैं। जय माँ।
जय माता दी। तो गाइस अभी आ गए हैं हम लोग मंदिर में, और मंदिर में अभी कोई भी नहीं है, बस हम लोग हैं। तो जय माता दी। चलो गुमी गुमी कर लो तुम, गुमी गुमी गुमी। जय माता दी। तो आज माँ ने पहनी है ये बंदनी साड़ी, माँ दिख नहीं रही है बट माँ की साड़ी कितनी प्यारी लग रही है गाइस। क्या है ना, रोशनी ज़्यादा पड़ रही है इस वजह से मैया दिख नहीं रही है। मैया आहा, बहुत ही खूबसूरत माता रानी, बहुत ही खूबसूरत। जय माँ। बस सोना का तो बस कहीं पे भी लिटा दो, मंदिर में लिटा दो, हम केली केली करेंगे, घूमी घूमी करेंगे, है ना सोना? तो गाइस भाभी ने जो कपड़े बनवाए हैं भगवान जी के लिए, मतलब गणेश जी के लिए, कार्तिकेय जी के लिए, माता रानी जी के लिए, तो यहाँ पर जो भी भगवान जी कपड़े पहने हुए हैं ना, तो वो सब अभी भाभी ने बनवाए हैं। तो बस वही क्लीन व्लीन करके माता रानी को कपड़े पहनाने जा रही हैं भाभी। तो भाभी पहना रही हैं कपड़े और हम ले रहे हैं वीडियो। तो अभी भगवान जी जब कपड़े पहन लेंगे तो हम बताएंगे आपको कि भगवान जी कैसे लग रहे हैं। और ये हैं आंटी जी। हाँ भाई, तो गाइस देखा आपने, मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और यहाँ पर है प्राइवेसी, सबसे अच्छी चीज़ जो है। और माता रानी तो आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, और आंटी जी अभी थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हैं क्योंकि 5 बजने के बाद सारे लोग आने लगेंगे पूजा करने के लिए। तो गाइस सभी भगवान जी को भाभी ने कपड़े पहना दिए हैं, तो आपको मैं दिखा रही हूँ ये फाइनल लुक। ये है अंबे माँ का फाइनल लुक, और वो है हनुमान जी का। तो हनुमान जी ने भी कपड़े पहन लिए हैं, नंदी ने भी कपड़े पहन लिए हैं, और कार्तिकेय जी ने भी, और गजानन जी ने भी कपड़े पहन लिए हैं। तो गाइस लौकी की सब्जी रखी हुई है जो मैंने 2:30 बजे बनाई थी दोपहर में। तो डिनर के लिए अभी मैंने ये आटा गूंद दिया है, और अभी जा रही हूँ मैं रोटियाँ सेकने के लिए। तो गाइस आपने अभी देखा कि मैंने आटा गूंद दिया है, और सब्जी जो सुबह, मतलब समथिंग मैंने 2:30 बजे ही बनाई थी, आई थिंक 2:45 भी हो गया था टाइम, लंच बहुत लेट बनाया था आज मैंने, तो मतलब वो बची हुई थी, तो मैंने सोचा चलो वो शाम को हो जाएगी डिनर में, मुझे दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। पता है गाइस काम करते करते इतना टाइम हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब रात के 11 बज जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज जल्दी स्टार्ट कर दूँ। तो अभी मैं 7:30 से ही रोटियाँ सेकना स्टार्ट कर दे रही हूँ, फिर ये लोग खाएंगे तब तक टाइम हो जाएगा, 9-10 बजे खाते हैं आई थिंक, 9:30 तक मैं बोल दूँगी खा लो सारे लोग, भाई और पापा। तो फिर मतलब मैं सोच रही हूँ 9:30 बजे तक भाई और पापा को खिला दूँगी खाना, उसके बाद टाइम से मैं बर्तन धोकर किचन साफ़ करके तब सो पाऊँगी यार। ऊपर से रैबिट्स का भी ख्याल रखना पड़ रहा है, रैबिट को भी टाइम से खाना और सब कुछ, समझ रहे ना? तो फिर चलो गाइस रोटियाँ सेक लेती हूँ मैं अभी फ़िलहाल। गाइस अभी रोटियां तो मैंने सेक दी हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर करती हूँ डिनर और करवाती हूँ सबको डिनर। तो गाइस अभी मैंने डिनर कर लिया है, और भाई ने, पापा ने भी डिनर कर लिया है, और मैंने बर्तन भी धुल दिए हैं, किचन भी थोड़ी बहुत क्लीन कर ली है, और जो थोड़ी बहुत बाकी है ना वो मैं कल कर दूँगी। और आज मेरी तबीयत यार सही नहीं है, जुकाम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इस साइड की नोज़ तो बिल्कुल बंद हो गई है यार, क्या बताऊँ। तो गाइस जो भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है वो मैं कल सुबह कर लूँगी, बाकी ऑलमोस्ट सारा कुछ कर लिया है मैंने। तो अभी गाइस जा रही हूँ मैं सोने के लिए, उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरे ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं। तो गाइस मेरे मतलब कहना बहुत आसान है यार,
शायद आपको देखना बहुत आसान है कि आपने देख लिया एक 10 मिनट में, 11 मिनट में आपने देख लिया कि मैंने ये किया। बट गाइस जब मैं कर रही हूँ एडिटिंग वाला टाइम तो मैं आपको दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि एडिटिंग में भी बहुत टाइम चला जाता है। तो मतलब समझो मेहनत है, सब में मेहनत है, हर चीज़ में मेहनत है। और ये सब यार जो लोग करते हैं ना, जो मतलब बहुत सी जो लेडीज़ हैं वो घर भी संभाल रही हैं, अपना चैनल भी संभाल रही हैं, भाई सच में सैल्यूट है उनको। तो बहुत कुछ कैसे कर पा रही हैं यार, सच में काफ़ी कठिन है। बट चलो मैं भी ट्राई कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ यार सब कुछ आना चाहिए। तो गाइस उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये व्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ और वैसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग व्लॉग्स देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।